दोस्तों, एलिस इन बॉर्डरलैंड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था। सीजन की शुरुआत में हम आरिसू, कुइना, उसाकी और चिसिया को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं अपने नेक्स्ट गेम के स्टार्ट होने के इंतजार में। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ी इनके तरफ आने लगती है जिसके अंदर से बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। ये सारे लोग गेम में हिस्सा लेने के लिए यहां पर आए थे हुकुम के बादशाह के कार्ड को देखकर जो कि आसमान में घूम रहा था। उसाकी उनसे कुछ पूछना चाहती थी हुकुम के बादशाह के कार्ड के बारे में, पर पूछ पाती उससे पहले ही वहां पर गोली चलने लगता है जिसकी वजह से सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आरुसी, कुइना, उसाकी और चिसिया भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गेम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि इन लोगों को गेम के रूल के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था कि इस गेम को किस तरह से खेलना है। आरुसी, कुइना, उसाकी और चिसिया सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। आरिसू कुछ लोगों की जान बचाने की कोशिश भी करता है। तभी आरुसू को और उसके साथी को आसमान में उड़ता हुआ एक बैलून दिखाई देता है जिसके नीचे हुकुम का बादशाह लटका हुआ था। आरिसू और उसाकी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक नकाबपोश आदमी आ जाता है जो कि हुकुम का बादशाह होता है, जो कि सब लोगों के ऊपर गोली चला रहा था और उन्हें जान से मार रहा था। जिसे देखकर आरुसू और उसाकी छुप जाते हैं। वहीं पर कुइना और चिसिया भी होते हैं छुपे हुए। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर तेता और एना होते हैं जो कि इन लोगों को अपने गाड़ी के अंदर बुलाते हैं। आरुसू, कुइना और उसाकी सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं सिवाय चिसिया को छोड़कर, क्योंकि जब चिसिया गाड़ी के अंदर बैठने वाला होता है तभी हुकुम का बादशाह इनके गाड़ी के नीचे बम फेंक देता है जिसकी वजह से इन्हें चिसिया को वहीं पर छोड़कर भागना पड़ता है। रास्ते में इन्हें पता चलता है कि इस गेम को मीरा नाम की एक लड़की ने बनाया है जिसने पूरे शहर को गेम अरीना में बदल दिया है। आरुसू इन्हें बताता है कि आसमान में जितने भी बैलून घूम रहे हैं उन सब का अपना एक मास्टर है जिसे हराने के बाद ही हम सब शायद अपने घर जा सकते हैं। इनके गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी होता है जिसके अंदर चार लोग बैठे हुए होते हैं। वे लोग इनके गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तभी उसी गाड़ी के ऊपर वही नकाबपोश आदमी आ जाता है जो कि इन चारों को मार देता है और इनके गाड़ी में बैठकर आरिसू के गाड़ी का पीछा करने लगता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह करके ये लोग उस नकाबपोश आदमी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। पर वह नकाबपोश आदमी आरिसू के गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ता। तभी आरिसू के गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आ जाता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है और इन्हें बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि वहीं पर छुपे हुए थे। तभी वहां पर वही नकाबपोश आदमी भी आ जाता है जो कि इनके ऊपर गोली चलाने लगता है। यह देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच एना आरिसू और बाकी लोगों से अलग हो जाती है। आरिसू और बाकी सब लोग वहां से भाग जाते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। इस बिल्डिंग के आसपास गोली चलने की आवाज नहीं आ रही थी और ना ही आसमान में उड़ते हुए बैलून दिखाई दे रहा था, इसीलिए ये लोग आज रात यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन आरिसू बोलता है कि अगर हमें जिंदा बचे रहना है तो हमें दूसरे गेम को ज्वाइन करना होगा। तभी वह नकाबपोश आदमी यानी कि हुकुम का बादशाह हम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि हम दूसरे गेम के प्लेयर होंगे। इस बात से सब लोग सहमत होते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा समय तक उस नकाबपोश आदमी से बच नहीं पाते और अगर किसी तरह करके ये लोग उस नकाबपोश आदमी से छुपकर बच भी जाते तो इनके पास जो बीजा था इस गेम में रहने का वह खत्म हो जाता जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती। इसीलिए ये लोग उड़ते हुए बैलून को देखकर हुकुम के बादशाह के लोकेशन के बारे में पता करते हैं और दूसरे गेम को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं चीड़ी के बादशाह के पास। चीड़ी के बादशाह के गेम को टीम वर्क के साथ खेला जाता था और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे कंटेनर के ऊपर इन्हें एक आसमान में उड़ता हुआ बैलून में चीड़ी के बादशाह का कार्ड दिखाई देता है। वहीं पर इन्हें इस गेम को खेलने के लिए चार ब्रेसलेट भी मिलता है, पर इस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी क्योंकि नोट में ऐसा ही लिखा गया था। तभी वहां पर एक और बंदा निरागी आता है जो कि अभी भी जिंदा था जिसने 5वें ब्रेसलेट को पहने हुए था। आरिसू और उसके साथी निरागी के साथ गेम खेलना नहीं चाहते थे पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि निरागी ने इस ब्रेसलेट को पहले से पहना हुआ था और आरिसू को इस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, इसीलिए सब लोग अपने अपने ब्रेसलेट को पहन लेते हैं। फिर चीड़ी के बादशाह के गेम को ज्वाइन करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर इनकी मुलाकात चीड़ी के बादशाह से होती है जो कि बिना कपड़ों के होता है। चीड़ी का बादशाह यानी कि उमा अपने आप को और अपने टीम के लोगों को इस देश का सिटीजन बताता है। इस गेम को स्टार्ट करने से पहले उमा सब लोगों को इस गेम के रूल के बारे में बताता है कि इस गेम को खेलने का
समय सीमा 2 घंटे का है। समय खत्म होने के बाद जिस भी टीम के पास ज्यादा पॉइंट होगा उसकी जीत होगी और दूसरे टीम के सारे लोगों की मौत हो जाएगी। दोनों टीम को 10-10 हजार पॉइंट दिया जाएगा। दोनों टीम अपने पॉइंट को अपने हिसाब से अपने खिलाड़ियों में बांट सकते हैं। पॉइंट इकट्ठा करने का 3 तरीका है। पहला, दूसरे टीम के खिलाड़ी को छूना। जिस भी खिलाड़ी का पॉइंट कम होगा उसके 500 पॉइंट दूसरे टीम के खिलाड़ी को मिल जाएंगे। एक टीम के 2 खिलाड़ी एक साथ मिलकर दूसरे टीम के 1 खिलाड़ी से पॉइंट छीन सकते हैं। बस उन्हें अपने हाथ को पकड़ना होगा। दूसरा, कंटेनर के अंदर 6 जगह एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे दोनों टीम के खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी कलेक्ट कर सकता है। तीसरा, किसी भी टीम के खिलाड़ी को दूसरे टीम के बेस को छूना होगा। छूने वाले टीम को 10,000 पॉइंट मिलेगा। पर जिस भी टीम का बेस है अगर उसका खिलाड़ी अपने बेस को छूकर है तो उसे अनलिमिटेड पॉइंट मिलेगा जब तक कि वह अपने बेस को छूकर है। और अगर वह खिलाड़ी अपने बेस को छूकर दूसरे टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूता है तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और अगर किसी खिलाड़ी का बेसलेट इनएक्टिव है और अगर वह खिलाड़ी किसी दूसरे टीम के खिलाड़ी को छूता है तो दोनों को बिजली का झटका लगेगा। आरिसू उमा से पूछता है कि क्या इस गेम को जीतने के बाद हम सब अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। उमा आरिसू को बोलता है कि कोई भी असली दुनिया नाम की चीज नहीं है। जब सब लोगों को अपने मौत से सामना होगा तो लोगों को दूसरे की असलियत पता चलेगी। और अगर तुम्हें फिर भी असलियत जानना है तो तुम इस गेम को पूरी ताकत से खेलना। फिर गेम स्टार्ट होता है। आरिसू अपने टीम के लोगों को पॉइंट बांटता है। टेटा को सबसे कम पॉइंट मिलता है क्योंकि वह बेस में मौजूद रहने वाला था और उसकी हिफाजत करने वाला था। आरिसू अपने टीम के लोगों को 2 टीम में बांट देता है और एक्स्ट्रा पॉइंट इकट्ठा करने को कहता है जो कि कंटेनर के अंदर था। आरिसू को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल भी जाता है जिसे कोइना कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद इन्हें 2000 पॉइंट मिलता है। तभी वहां पर उमा आ जाता है जो कि आरिसू के साथ बैटल यानी कि लड़ाई करना चाहता था। पहले आरिसू कोइना के साथ मिलकर उमा के साथ बैटल करना चाहता था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उमा के पास कितना पॉइंट है। पर उमा की बात सुनने के बाद आरिसू उमा के साथ अकेले ही बैटल करता है और जीत भी जाता है क्योंकि आरिसू के पास उमा से ज़्यादा पॉइंट था जिसकी वजह से उमा के 500 पॉइंट आरिसू को मिल जाता है। उधर हम उसाकी और निगारी को देखते हैं जो कि कंटेनर के अंदर पॉइंट को ढूंढ रहे थे। तभी इनकी मुलाकात दूसरे टीम के एक खिलाड़ी से होती है। उसाकी और निगारी एक साथ दूसरे टीम के खिलाड़ी से लड़ते हैं और उसके 500 पॉइंट को जीत लेते हैं। इसी तरह करके आरिसू की टीम बहुत ज़्यादा पॉइंट जीत लेती है और अब इन्हें लगता है कि ये लोग इस गेम को जीत जाएंगे। पर दूसरे टीम का लीडर उमा एक प्लान बनाता है और सारे लोग मिलकर आरिसू के बेस पर हमला करने के लिए जाते हैं। टेटा अपने बेस पर अकेला होता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। उमा के टीम के खिलाड़ी एक साथ मिलकर आरिसू के बेस को छूने की कोशिश करते हैं और जब उमा के टीम के खिलाड़ी आरिसू के बेस को छूने वाले होते हैं तभी टेटा उसके टीम के एक खिलाड़ी को छू देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उस खिलाड़ी का सारा पॉइंट टेटा को मिल जाता है। पर उमा के टीम के 3 लोग आरिसू के बेस को छू लेते हैं इसीलिए उमा के टीम को 30,000 पॉइंट मिलता है जिसकी वजह से उमा की टीम लगभग 4,000 पॉइंट से आगे हो जाती है। आरिसू को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था कि उमा की टीम अपने बेस में होगी। तभी आरिसू के दिमाग में एक आइडिया आता है एक्स्ट्रा पॉइंट इकट्ठा करने का क्योंकि इसी तरह ये लोग उमा के टीम से आगे निकल सकते थे। इसीलिए आरिसू के टीम के खिलाड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं अलग अलग होकर ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सके कम समय में। और जब ये लोग कंटेनर को खोल खोल कर चेक कर रहे थे तभी उसाकी के सामने दूसरी टीम का एक खिलाड़ी आता है जो कि उसे छू कर उसके पॉइंट को छीन लेता है। इसी तरह करके कोइना के भी 500 पॉइंट दूसरी टीम का एक खिलाड़ी छीन लेता है। उमा के टीम के खिलाड़ी भी एक्स्ट्रा पॉइंट इकट्ठा कर रहे थे। इसी तरह करके उमा के टीम के पास 35,000 पॉइंट हो जाता है। आरिसू अभी भी एक्स्ट्रा पॉइंट ढूंढ रहा था तभी उसे एक कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल भी जाता है। पर उस कंटेनर में पहले से उमा की टीम की एक खिलाड़ी होती है जो कि आरिसू से पहले एक्स्ट्रा पॉइंट को कलेक्ट कर लेती है। तभी वहां पर उमा आता है जिसके पास आरिसू से ज़्यादा पॉइंट होता है। उमा आरिसू को छूकर उसका भी 500 पॉइंट ले लेता है और अब आरिसू के टीम के पास टोटल 23,000 पॉइंट ही बचे थे और टाइम भी कम था इसीलिए आरिसू उमा के टीम के बेस के ऊपर हमला करने का फैसला लेता है क्योंकि अब अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो ये लोग वैसे भी आधे घंटे बाद इस गेम को हार जाएंगे और इनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए उसाकी उमा के बेस के पास जाती है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उमा के टीम का एक खिलाड़ी
उसाकी के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। तभी आरुसु अपने टीम के खिलाड़ी के साथ वहां पर आ जाता है और उमा के टीम के ऊपर हमला कर देता है। और जब आरुसु उमा के बेस को छूने वाला होता है तभी उमा आरुसु को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों को बिजली का झटका लगता है क्योंकि आरुसु ने अपने ब्रेसलेट को इनएक्टिव कर लिया था। इसी बीच नारागी उमा के बेस को यानी कि दूसरे टीम के बेस को छू लेता है, जिसकी वजह से आरुसु के टीम को 10,000 पॉइंट मिलता है और अब इन्हें केवल 2,000 पॉइंट चाहिए था उनसे आगे निकलने के लिए। तभी प्लान के हिसाब से कुइना बेस को छूने की कोशिश करती है पर छू नहीं पाती क्योंकि दूसरे टीम का खिलाड़ी उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से कुइना के भी 500 पॉइंट कम हो जाते हैं। और अब सब लोग हार मान लेते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा समय नहीं था, पर उसाकी हार नहीं मानती और बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा पॉइंट को ढूंढने लगती है जो कि कंटेनर के अंदर होता है। और उसाकी को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल भी जाता है और अब इन्हें उमा की टीम से आगे निकलने के लिए आरुसु को 1,000 पॉइंट ही चाहिए था। इसीलिए आरुसु अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपने टीम के लिए खेलता है और अकेले ही उमा के बेस पर हमला करने के लिए चला जाता है। उधर हम उसाकी को देखते हैं जिसके पास नारागी आ जाता है और बोलता है कि अब तो हम सब लोग मरने वाले हैं तो क्यों ना हम अपने अधूरे काम को पूरा कर ले। इसके बाद नारागी उसाकी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर हम आरुसु को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए उमा के बेस के पास जा रहा था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।